इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि लगातार जो युद्ध की स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, रूस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि बार बार यूक्रेन ये कह रहा है कि हमें सहायता चाहिए, हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, कीव पर कभी भी कब्जा कर सकता है रूस, ये बड़ी जानकारी। हालांकि ये जावा जेलेंस्की की तरफ से भी किया जा रहा है कि वो जल्द ही कीव में पहुंच सकते हैं। रूस को रोकने के लिए कीव के पास का जो पुल था वो पुल उड़ाया गया है ताकि कुछ देर का समय जो है वो और मिल पाए। यूक्रेन के कई शहर ऐसे हैं जहां पर सायरन बज रहे हैं, खतरे के ये सायरन। लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां लोग सड़क पे एक साइकिल वाला गुजर रहा है उस पर एक मिसाइल आकर गिरती है। हमले के डर से बंकर मेट्रो स्टेशन में छिपते हुए लोग नजर आ रहे हैं। क्यू पर कभी भी कब्जा कर सकता है रूस। तो जो स्थितियां बनी हुई हैं, 38 आम नागरिक जो अभी तक जानकारी कि वो गांव अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं निर्णायक दौर में रूस और यूक्रेन की जंग पहुंचती हुई नजर आ रही है। रूस के सैनिकों को रोकने के लिए एक पुल भी उड़ाया गया। काला सागर में स्नेक आइलैंड जो है वहां पर रूस का कब्जा हो गया है। जंगी बेड़े के हमले में 13 यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं। तो ये सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका अंत द एंड कहां होगा ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन ने 2 रूसी कमांडर पकड़ने का भी दावा किया है। ताकतवर देशों ने हमें अकेला छोड़ा है, ये बार बार जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। उन्होंने मदद की बात की और ये भी कहा कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन इस बीच रूस पूरे दमखम से आगे बढ़ता हुआ, काले सागर में स्नेक आइलैंड पर उसने कब्जा किया। कुछ तस्वीरें जल्दी से आपके सामने, ये रण जो छिड़ा है ये तस्वीरें उसी को बयां करती हैं कि स्थितियां क्या हैं। जंग अपनी जगह, लेकिन जो आम लोग हैं उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी अंदाजा जरा लगाइए। आपके घर के सामने अगर ऐसे ही धमाके हो रहे हो तो अंदाजा लगाइए कितने दहशत में वहां पर उपस्थित लोग होंगे, क्या डर के माहौल में लोग जी रहे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग देशों से आए वहां छात्र हैं, कुछ भारतीय छात्र भी हैं, वो भी फंसे हुए हैं, बंकरों में जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पर छुपे हुए हैं, वो अपने स्तर से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जंग खत्म कैसे होगी, और बड़ा सवाल तो उसकी शुरुआत से जरा पूछें कि ये जंग शुरू हुई क्यों हुई, जंग से क्या किसी भी चीज का समाधान हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उन सब सवालों को पीछे छोड़ते हुए तस्वीरें कुछ सामने जो जंग की गवाही देते हुए रूस यूक्रेन की जंग डे 2 का ये रण तस्वीरें बयां कर रही है। स्थितियां वहां पर क्या है, अब कब ये खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ है, जल्दी से आपका तारुफ उनसे करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब है रक्षा विशेषक, वो हमारे साथ हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल रक्षा विशेषक, वो हमारे साथ हैं। और निशांत ओझा सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, ये हमारे साथ मौजूद है। सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच तस्वीरें जरा आप देखते रहिए। लेकिन सर ये जो अभी बड़ी अपडेट, ये सर मेरा आपसे सवाल जनरल विशंबर, ये जो बड़ी अपडेट जिस जगह पर अभी रूस पहुंचा है उसको किस खतरे के तौर पर देख रहे हैं, और क्या इससे कोई अंदाजा आप लगा पा रहे हैं कि कब तक वो कब्जा कर लेगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ये कि जंग की समाप्ति कब हो सकती है? देखिए एक पिक्चर थोड़ी सी अब क्लियर हो रही है कि रशिया जो है उसका जो नॉर्थ थ्रस्ट है, जो बेलोरशिया और रशिया के जो कुर्स्क एरिया से जो थ्रस्ट आ रहा है नॉर्थ की तरफ से, जो कीव पे थ्रस्ट आ रहा है वो एक पावरफुल थ्रस्ट है। जो ईस्ट से थ्रस्ट आ रहा है जो कि डोनेट्स और लुहांस की साइड से, करकीव की साइड से जो थ्रस्ट आ रहा है वो एक थ्रस्ट स्लोली प्रोग्रेसिव है, जो कि उनकी जो फोर्सेज है उनको डिस्ट्रॉय करता रहे। और जो सदर्न थ्रस्ट है मैं समझता हूँ वो अभी एक होल्डिंग के तौर पे है, उड़ीसा और इस एरिया को एंगेज रखा जाए ताकि जो फोर्सेज हैं यूक्रेन की वो यहाँ एंगेज रहे। तो अगर पुल उड़ाने पे आगे जो कि कीव के लिए जो ड्राइपर पे जो ब्रिज उड़ा दिया तो ये काफी डेस्परेट सिचुएशन है। और अगर आप इसको कल की रात के साथ अगर जोड़े जब रशिया ने एक एयरफील्ड पर अपनी स्पेशलाइज फोर्सेज को लैंड किया है, हालांकि यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि उन्होंने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। स्पेशलाइज फोर्सेज हैं, वो अटैक के अंडर आई होंगी, मेल्ट हुई होंगी, वो अपनी हाइट्स में चली गई होंगी, वहां से वो आज रात को कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगी। इन हालात में और जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप जिस तरह से घबराहट की स्टेटमेंट्स दे रही है, जैसे प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जो स्टेटमेंट दी है कि 96 आवर्स के अंदर हम सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं, इससे मुझे लगता है काफी डिमोरलाइजिंग एक इफेक्ट है। और ये कहना कि कब तक होगा, देखिए ये तो कई चीजों पे डिपेंड करता है कि अब रशिया एयरबॉर्न फोर्सेस कब लॉन्च करेगा, कहाँ पे लॉन्च करेगा, मैकेनाइज्ड फोर्सेस कब तक कॉलम
मीट करेंगे, कीव के चारों तरफ क्या डिफेंसिव सिस्टम है, क्या यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत, कीव के चारों तरफ जैसे दिल्ली के चारों तरफ सैटेलाइट टाउन्स हैं, कीव के चारों तरफ ऐसे उनके सबर्ब सैटेलाइट टाउन्स हैं, क्या इन टाउन्स में उन्होंने जो जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, शोल्डर फायर्ड सोल्जर्स हैं, जो अगर कुछ उन्होंने अर्बन वॉरफेयर की प्रिपरेशन की है या ऑब्स्टिकल सिस्टम कुछ यूज किया है, तो वो कितना काबिल है, वो जब लड़ाई अनफोल्ड होगी तो हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आज हालात हैं उससे नहीं लगता कि अगले 48-72 आवर्स तक यूक्रेनियन फोर्सेस, और एक बहुत अच्छी चीज की है रशिया ने नॉर्थ से डीप पेनिट्रेशन की है चेर्नोबल और चिर्नीव के एरिया से, तो मैं नहीं समझता 96 आवर्स तक ये लोग टिक पाएंगे। सर देखिए, हम तुलनात्मक ढंग से भी दिखा रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जेलेंस्की शायद उतनी मैच्योरिटी से सिचुएशन भाप नहीं पाए, वही हम दिखा रहे थे कि 2018 से वो राष्ट्रपति हैं और पुतिन जो है वो 2002 से वो राष्ट्रपति हैं, तो क्या इसका असर पड़ता है, वो मैच्योरिटी जो डिसीजन मेकिंग था वो वहां कहीं रह गया? निशिकांत ओझा जी, और इस एक सेकंड सर इसी सवाल के साथ लौटूंगी, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है, ये ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रूसी हमले के बाद यूक्रेन की, ये ताजा तस्वीरें जहां पर अब सब कुछ ध्वस्त होती हुई सिचुएशन में नजर आ रहा है, सब कुछ ऐसे ही, आप अगर ध्यान से सुनिए तो बम की आवाजें आपको सुनाई देंगी, तो ये हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया था, लोग ये कह रहे थे युद्ध की स्थिति बन सकती है, ये बार बार कौन कह रहा था, ये अमेरिका कह रहा था कि युद्ध की स्थिति बन सकती है, 2 दिन के बाद वो हमला कर देगा, 3 दिन बाद वो हमला कर देगा सर, लेकिन ये देखा गया कि इतनी त्वरित कार्रवाई रूस की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड थी या उसने एकदम अचानक से, क्योंकि 2 दिन हफ्ता भर ये कहा गया उसके बाद अचानक से। रशिया बहुत डिसाइसिव है और रशिया का तो वॉर फिलॉसफी है, रशिया जब अटैक करता है फर्स्ट अटेम्प्ट करता है, रशिया वेट नहीं करता, रशियन डिसीजन कैन बी रॉन्ग लेकिन रशिया क्विक डिसीजन मेकर है, और रशिया की वॉर फिलॉसफी कहती है कि हम जब दुश्मन के साथ हमारी मुठभेड़ होगी तो पहला हमला हमारा होगा, डिसाइसिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, ये उनकी फिलॉसफी है और इसी पे वो ट्रेनिंग करते हैं। जी सर, जी सर, इसमें देखिए एक बड़ा सवाल जो जहन में आता है बार बार, पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि अभी अगर इसको नहीं रोका गया तो ये हौसला, पुतिन का अगर अभी नहीं रोका गया तो उनका हौसला और बढ़ेगा, ये बात बाइडेन कह रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं, तो अब सवाल ये है कि आखिरकार रोकेगा कौन, कौन पुतिन को रोकेगा? पुतिन की जो ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स का कोई मीनिंग नहीं बनता है पुतिन, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि पुतिन इज बेसिकली, उसका जो बैकग्राउंड है इंटेलिजेंस का बंदा है, और मैं रशियन गवर्नमेंट के साथ काफ़ी डीपली मैंने काम किया था, वो पूरी तरीके से ये 2014 के बाद जो इन्वेजन हुआ उसके बाद से उनको एक सेटबैक मिला हुआ था कि मेरी एक उनको ह्यूमिलेशन होता था, और यूक्रेन अगर आप रशिया में जाएं तो यूक्रेन को वो अपना पार्टी मानते थे। जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन का दो पार्टों में मैंने बताया था कि 50% जो आज भी पुतिन के साथ हैं, 50% यूक्रेन के साथ हैं, तो वो एक कंबरसम सिचुएशन बनी हुई थी। जो उन्होंने अपना पुतिन ने जो अटैक किया, उनका लक्ष्य है कीव, कीव को जैसे वो हासिल कर देंगे, वो इन्वेड नहीं करना चाह रहे, उनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि वहां पर कोई भी राष्ट्रपति रहे, क्या वो ये चाह रहे कि उनकी मिलिट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, जिससे कि वो अगले 5 से 10 साल वो फिर बैकफुट पे चले जाएं। जी। अगले 5 से 10 साल वो बैकफुट पे चले जाएं, और उसके बाद वो जो है उनकी जो वो नेटो की एक्सरसाइज थी जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पास करा दिया था। देखिए ऐसा है कि वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक गेटवे है यूक्रेन, अगर वहां पर वो उसको छोड़ते हैं तो वो इन्वेजन जो 2014 का था वेस्ट वाला वो फिर से रिपीट होता, इसलिए वरिड थे। और जहां तक पुतिन की बात है, पुतिन ने उनको 2 से 4 बार अल्टीमेटम दिया कि एक तो आप नेटो के लिए प्रोसीज करिए, और दूसरा ये जो आपने वॉर वहां पर बाउंड्रीज पे अपने जो ट्रूप्स लगा रखे आप इसको बैक लीजिए। लेकिन उसके बाद भी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का कोई भी रवैया नहीं रहा, और वो अपना सीधे प्ली करते रहे G7 कंट्रीज को और नेटो को। अब एक जब तक वो नेटो के मेंबर नहीं बनते हैं तब तक नेटो भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। जहां तक पुतिन की बात है, मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस गाई उसने पूरा अपना होमवर्क कर लिया था, वो चाइना भी रहा, ईरान भी रहा, US भी मिला, तो ही नोज ऑल प्रोस एंड कॉन्स। जहां तक सेंशन की बात है, मुझे नहीं लगता कि उनका जो सेक्टोरियल सेंशन उनको किया गया उससे कोई फर्क पड़ता है इस तरीके का। जी
कुछ तस्वीरें देखिए जल्दी से, जरा आपको दिखा दें, ये जरा आप देखिए हमले से राजधानी कीव की हालत क्या हुई है, वहां पर जो लोग हैं वो दहशत में, वो तस्वीरें हम बार बार आपके सामने रख रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि यूक्रेन की अभी स्थिति क्या है, ग्राउंड पर इस वक्त आज तक मौजूद है, वहां भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन सर उससे पहले जनरल बिशंबर, ये जिस तरीके से ये पूरी स्थिति हम देखते हैं, आपको आपको क्या लगता है अमेरिका का रोल इसमें कितना है? ये तो पहले भी था कि नाटो बहुत इसमें कुछ करेगा नहीं। सर मैं आ रही हूँ इसी सवाल के साथ, बड़ी खबर इस बीच आ गई यूक्रेन पर, रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है, यूक्रेन के 18 टैंक 7 रॉकेट सिस्टम तबाह हो गए हैं। रूस की तरफ से कहा गया है रूसी मिसाइलों ने 41 सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। तो ये जानकारियां अब जो सामने आ रही है, ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले, रूसी मिसाइलों ने 41 सैन्य वाहन जो है उनको निशाना बनाया है, और ये जानकारियां भी रूस की तरफ से दी जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों में इसी लिहाज से खतरे के सायरन बजे हैं, लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों से किसी भी हालत में भी बाहर ना निकले, बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगा घर से बाहर निकलने में। रूस ने ब्रिटेन के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले इस वक्त जारी है। जनरल बिशंबर, देखिए आप अमेरिका की बात कर रहे थे, मैं समझता हूं ये अगर जो कंप्लीट जो फेल्योर है ये यूक्रेनियन लीडरशिप का फेल्योर है। अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका इतनी दूर बैठ के आपकी लड़ाई लड़ेगा या नाटो आपकी लड़ाई लड़ेगा तो गलत बिल्कुल अंदेशा था आपका, क्योंकि उसके लिए पहले तो नाटो की जो अप्रूवल्स, आप नाटो के मेंबर नहीं है, अगर नाटो लड़ाई लड़ेगा तो हर एक पार्लियामेंट से अप्रूवल्स वो सब है ना, और कांग्रेस से अप्रूवल, ऐसे थोड़ी यूएस अपने ट्रूप्स कमिट कर देगा। जहां तक उनकी एड थी, जो उनकी मिलिट्री एड थी, मैं समझता हूँ वो भी बहुत इनफेक्टिव एड है, क्योंकि उन्होंने ऐसे वेपन सिस्टम नहीं दिए, उनको सबको पता था कि इनके पास कोई एयर पावर नहीं है, एसिमेट्रिक एयर पावर है। अगर आपको उनकी एयर पावर को रोकना था तो आपको ऐसे मिसाइल सिस्टम देने चाहिए ना जैसे आपने खुद इराक में यूज किए थे, आप खुद पैट्रियट मिसाइल देते ताकि रशियन एयरक्राफ्ट को गिरा सके। तो लेकिन ऐसा यूक्रेन के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ जेवलिन दिए जो एंटी टैंक वेपन सिस्टम है, कुछ हो सकता है ब्रिटिश जेवलिन हो, एयर जो ग्राउंड टू एयर सिस्टम है, लेकिन ऐसी भारी एड नहीं है यूक्रेन के पास जो यूक्रेन रशिया का मुकाबला करते। रशिया का कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी है, 1/6, 6 टैंक है तो इधर एक टैंक है, उधर 6 बख्तरबंद गाड़ियां है तो इधर एक है, उधर 8 आर्टिलरी पीस है तो आपके पास एक है, उनके पास अगर 10 रॉकेट लॉन्चर्स हैं बड़े बड़े स्मार्ट और वो तो आपके पास एक है, तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। और इसमें मैं नहीं समझता कि किसी को भी ब्लेम किया जा सकता है, जो यूक्रेनियन लीडरशिप थी उसको 2019 से बहुत बैलेंसिंग इफेक्ट करना चाहिए था, बहुत सोच समझ के डिप्लोमेटिकली डील करना चाहिए था प्रेसिडेंट येलेंस्की को, प्रेसिडेंट पुतिन के नेचर को जानते हुए, उनकी एग्रेशन को जानते हुए, उनकी परसोना को जानते हुए, और जैसे वो डिजाइन रशिया तो ये सब आज से थोड़ी, अखबाजिया लिया, क्रीमिया लिया, साउथ ओशिया लिया, डोनेट्स, लुहांस, रशिया बहुत क्लियर है, प्रेसिडेंट पुतिन क्लियरली जो बात करते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं और वो फिर उसके परिणाम भी भुगतते हैं, और अब तक उनके क्योंकि लक फेवर में है उनके परिणाम अच्छे रहे हैं। रशिया एक मैसेजिंग करना चाहता है यूरोप को, एक मैसेजिंग करना चाहता है नाटो को कि जो आपने एक्सपेंशन था उसको बंद कीजिए और जो पुराने सोवियत यूनियन की बाउंड्री थी उसमें आप मत घुसिएगा, वो आपके लिए फॉरबिडन है। और रशिया मेनलैंड से ट्रेड चाहता है, जो ईयू से मेनलैंड से रशिया ट्रेड चाहता है, क्योंकि रशिया नहीं तो मर जाएगा, और यही कर रहे हैं बाइडन। वो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो उसके जरिए सिर्फ जो यूरोप से 37% जो ट्रेड है ये उस पर इफेक्ट डालेगा। तो ये पूरा का पूरा गेम जो है मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अभी तो यूक्रेन लूज करेगा, लॉन्ग टर्म में रशिया को भी नुकसान होगा। ठीक सर, कुछ देखिए जानकारियां जल्दी से दर्शकों तक पहुंचाएं, कीव को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या क्या दावा सामने आ रहा है, तबाही मचाने वाला रूसी ग्रुप कीव में पहुंच चुका है, ये जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है, कीव में दाखिल हुए हैं रूसी जवान, ये बयान उनका सामने आ रहा है, बार बार वो ये बात कह रहे हैं कीव में नागरिक जो है वो सावधान रहे, अपने घरों पर रहे और सुरक्षित रहे, कर्फ्यू के जो नियम है उसको बहुत ही सख्ती से उसका पालन स्वयं जो वहां पर मौजूद नागरिक हैं वो करें, ये बात बार बार राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है और ये नियम फॉलो करने की बात बार बार हो रही है। लेकिन सर यहाँ जेलेंस्की अब धीरे धीरे, पहले वो मदद मांग रहे थे,
पहले पहले वो कह रहे थे कि कोई और देश जो है वो उनकी मदद करे, वो बार बार मदद की बात कर रहे थे। अब वो ऐसा लग रहा है कि वो नाराजगी में बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रतिबंध जो आपने लगाए हैं प्रतिबंध से रुक जाएगा क्या रूस? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं वो पूरा रेप्लिका है 2014 का, वो सैंक्शन तो ऑलरेडी आज की एग्जिस्ट करते हैं। सेक्टोरियल उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ये सारे सैंक्शंस लगे, उससे कुछ नहीं होने लगा। जब 40 साल 42 ईयर्स उन्होंने ईरान पे सैंक्शंस लगाए और वो कंट्री आज भी सर्वाइव कर रही है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि उसने पूरा अपना ग्राउंड वर्क कर रखा है। उसने जो पैरेलल एक दूसरा ग्रुप जियोपॉलिटिक्स में खड़ा हुआ है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, उनके साथ उसने अपनी मीटिंग्स कर रखी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट आएगा और वो एकदम नहीं रुकने वाला है जब तक वो कीव को पूरा अपने कब्जे में नहीं ले लेगा। कीव को कब्जे में लेने के बाद ही प्रेसिडेंट, और ये मैं आपको आज इन्वर्टेड कॉमा से बोल रहा हूँ कि उसका उनका प्रेसिडेंट पुतिन का कोई भी ऐसा, क्योंकि मैंने डीपली काम किया हुआ है रशिया के साथ, उनका कोई भी इस तरह का नहीं है कि मैं वहां पर राज करूं या मैं उसको करूं। वो उसको सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें पहले प्यार से समझाया, तुम नहीं माने, इसलिए मुझे ये कठोर दंड देना पड़ा तुम्हें, और मैं उनको इस हालत में करना चाह रहे हैं कि जिससे आगे इस तरह का वो कोई। और इसी बीच ये वीडियो देखिए, यूक्रेन का रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा, ये वीडियो सामने आया, देखिए जरा। Ты знал, куда летишь? Нет. Когда уже высадился на Украину, знал, куда летишь? Нет. Понял? Еще не, мы вообще еще не часа понимали. 4 даже не понимали, где мы. Понятно. Хотя бы, ну, заправка. Командир части, какую вы получили задачу? Привлекались на учениях, отрабатывали. Где привлекались на учениях? В Крыму. В Крыму. Один. 11-я бригада, войсковая часть, 32-я. Бригада чего 11-я? ВДВ. Ты кто? Я Касаткин Натан Юрьевич. Личный номер МТ-19-1674. Ефрейтор. Задача какая была? Захвати что? Так же продолжаем учение. Знал, куда летишь? Нет. Ты знал, куда летишь? Нет. Когда уже высадился на Украину, знал, куда летишь? То есть видео, которое сегодня вышло, в котором Украина говорит, что какой-то бандер создали русские сэнники, उनसे वो ये वीडियो सामने करके वो बता रहे हैं। यानी देखिए दोनों ही, चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो धीरे धीरे सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं जो वहां पर सैनिक हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन पर ही वो कुछ आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, नहीं तो बहुत आराम से बहुत ही इजिली एक तरीके से कहें तो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन अपनी लड़ाई कह रहा है हम अकेले लड़ रहे हैं, अकेले खड़े हैं, जो मजबूत देश है वो इस वक्त हमारी लड़ाई को देख रहे हैं, लेकिन किसी का सहयोग यहाँ पर नहीं आया। वो सीधे कटाक्ष भी कर रहे हैं कि प्रतिबंध जो लगा दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से या और देशों की तरफ से, क्या उससे रूस रुक जाएगा? ये बार बार जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने मारे जाने का खतरा जता रहे हैं, अपने परिवार के मारे जाने का खतरा जता रहे हैं, ये बार बार वो बातें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो आम जनता से, अपनी पब्लिक से ये मांग कर रहे हैं कि वो घरों पर ही रहें। लेकिन जनरल बिशंबर, ये जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, या दोनों ही, चाहे यूक्रेन हो रूस हो, वो कह रहे हैं कि हमने सरेंडर करने के लिए कहा, जब नहीं किया तो हमने उनके सैनिकों को मार दिया, ये कह रहे हैं कि हमने दो को बंधक बना लिया, ये स्थिति कब तक? देखिए ये तो वॉरफेयर का पार्ट है, शुरू में डैमेजेस होंगे। ये थोड़ी है कि रशिया लड़ाई में नहीं गया, रशिया लड़ाई लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ाई लड़ेगा, दोनों तरफ नुकसान होंगे, हेलीकॉप्टर्स गिरेंगे, टैंक बर्बाद होंगे, सैनिक पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, ये तो वॉरफेयर का पार्ट है। सर मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ यूक्रेन के मारियोपोल से इस वक्त सीधे वरिष्ठ पत्रकार राजेश पवार इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे जरा स्थिति को समझना इस वक्त बेहद जरूरी है कि वहां पर हालात है तो है क्या, और किस तरीके की सिचुएशन वो अपने आसपास देख रहे हैं। राजेश, आप मेरे पीछे, अभी मैं यहाँ पर मेरोपोल ट्रेन स्टेशन पे हूँ, अगर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं तो कुछ यहाँ यूक्रेनियन सैनिक खड़े हैं जो अभी फ्रंट लाइन से आ रहे हैं, शायद ये रिलीव हो रहे हैं और इनकी बदली हो रही है। अभी जहां तक यूक्रेन में सिचुएशन का सवाल है, ये कंफर्म रिपोर्ट है कि आज सुबह 4:20 पे लोकल टाइम कीव में, लगभग 20-25 किलोमीटर नॉर्थ में कीव के, वहां काफी हरकत हुई है, काफी फाइटिंग हुई है, जहां पर स्पेशल फोर्सेस जो है रशिया की, उन्होंने एक ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया है और हल्की फुल्की फाइटिंग हुई है। ब्रिज डिस्ट्रॉय करने के बाद वो वहां से चले गए हैं, दे वर स्पेशल फोर्सेस, इसलिए वो उन्होंने पिच बैटल नहीं लड़ी, अपना काम किया और उसके तो डिसअपीयर हो गए हैं।
जो टैंक कल रात को देखे गए थे चेर्नोबिल एरिया में, उनकी मूवमेंट को ये भी कंफर्म नहीं है। साउथ में एक जगह है खरसोन, जो मेरे रिपोर्ट के हिसाब से अभी रूस के कंट्रोल में आ गई है, जो कि पानी सप्लाई करती है क्रीमिया पेनिनसुला को। इसके अलावा जो खबर आ रही है उनको देख के ये प्रतीत होता है कि रूस सिर्फ अभी तक प्रिसिशन एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और स्पेशल फोर्सेस यूज कर रहा है टारगेट जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो वाइटल टारगेट्स हैं, चाहे वो ब्रिज हैं, एयरपोर्ट्स हैं या उस तरह की कोई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उनको कब्जा करने के लिए या नेस्तनाबूद करने के लिए रूस स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है और एयर से सिर्फ वो प्रिसिशन गाइडेड एम्यूशन यूज कर रहा है। ओवर टू यू राजेश पवार। जो आप ये बता रहे हैं, एक ब्रिज का जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो ब्रिज उड़ा दिया गया यूक्रेन की तरफ से, कहा गया वो ब्रिज उड़ा दिया गया जिसकी वजह से कुछ डिले हो जाए, उसके उड़ाने के बाद स्ट्रेटेजिकली आप क्या देख रहे हैं, वहां क्या असर पड़ा, किस तरीके की अभी स्थितियां हैं, कितना वक्त क्या लग रहा है कीव में एंट्री को लेकर रूस के सैनिकों की? देखिए, मैंने कीव में कम से कम 15-20 लोगों से अलग अलग इलाकों में बात की है, कीव के इलाकों में अभी वहां सब शांत है, कोई फायरिंग नहीं हो रही है, कोई बमबारी नहीं हो रही है, किसी प्रकार का कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई टैंक्स नहीं घूम रहे हैं कीव के अंदर इस वक्त। ये जो हरकतें हुई हैं टैंकों की या मिलिट्री की, कीव से लगभग 25 किलोमीटर नॉर्थ में है, वहां सिचुएशन अभी ऐसा लग रहा है जैसे इट्स लल बिफोर द बैटल, लड़ाई से पहले की शांति है ये, लोग घबराए हुए हैं और वो छोड़कर जा रहे हैं कीव को बड़ी संख्या में, सड़कों पे जैम लगा हुआ है उन रोड्स के ऊपर जो कीव से बाहर की तरफ जा रही है। कुल मिलाकर जो स्थितियां रूस और यूक्रेन के बीच बनी हुई है, क्या वो अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है, क्या जल्द ही समाप्ति हो सकती है, इसमें और वक्त लगेगा, इस पर हम आपको पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं, वो तस्वीर सबसे पहले आपके सामने रखें जो इस वक्त बयां कर देंगी कि यहां जहां युद्ध हो रहा है वहां पर हालात क्या है। देखिए जरा, रूस यूक्रेन की जंग डे टू का ये रण है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए किन हालातों में, जंग को एक तरफ रखिए, जो लोग हैं स्थानीय लोग उन पर क्या बीत रही होगी। ये तस्वीरें जरा देखिए, डरे लोग अपने आशियाने को, अपने घर को, जहां वो रहते थे उन जगहों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। कई दल जो हैं वो निकल भी चुके हैं, बंकरों में छिपे हुए हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर जुटे हुए हैं, लेकिन कई जगहों पर मिसाइल बम धमाके ये सब दिख रहे हैं, आवाजें सुनी जा रही हैं। दहशत लोगों के अंदर इस वक्त कितनी होगी और उनके जहन में सिर्फ एक सवाल इस वक्त गूंज रहा होगा कि उनकी गलती आखिरकार क्या है, और एक और सवाल जो उनके जहन में होगा कि ये सब कब खत्म होगा, कब वो नॉर्मल जिंदगी जैसे हम आप अपने घर में बैठकर अभी जी रहे हैं वहां पे मौजूद लोग जी पाएंगे। यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई क्या निर्णायक दौर पर, ये भी एक बड़ा सवाल। युवाओं से हथियार उठाने की अपील इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से, राष्ट्रपति का बार बार हर एक पल पर बयान सामने आ रहा है। पहले वो भड़के हुए नजर आए, उन्होंने कहा कोई भी देश हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, फिर उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पर अमेरिका को लिया और ये कहा कि आप प्रतिबंधों से रूस रुक जाएगा, आप प्रतिबंध लगा रहे हैं क्या, हम पर हमले थम गए हैं, यूक्रेन के 18 टैंक और 7 रॉकेट सिस्टम तबाह हो गए हैं। ये बात रूस की तरफ से, रूस भी पल पल की अपडेट दे रहा है कि किस तरीके से जंग जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन रूस जो एक महत्वपूर्ण बात कह रहा है वो ये कि वो कब्जा नहीं करना चाहता है यूक्रेन पर, लेकिन जो स्थितियां हैं वो भयावह हैं, जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। 138 आम नागरिक जिनका कोई लेना देना नहीं है ना यूक्रेन से ना रूस से, उन्हें सिर्फ अपना घर अपने लोग चाहिए थे, लेकिन आज वो आजादी वहां के लोग खो चुके हैं। 138 जाने आम लोगों की जा चुकी हैं और ये तस्वीरें जो है वो अभी भी डरा रही हैं, और सवाल यही है कि ये तस्वीरें कब तक जंग की हमारे सामने ऐसे ही आती रहेंगी। कुछ खास मेहमान है, आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि रूस और यूक्रेन की अपडेट से जुड़ी ये 10 महत्वपूर्ण खबरें जानकारी आप तक पहुंचाएं। देखिए जरा, यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ लगातार रूसी सेना बढ़ रही है, कीव पर मिसाइल से लगातार हमले हो रहे हैं, कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं, कई इमारतों में आग लग गई है, कुछ इलाकों में इमारतें खंडहर में तब्दील नजर आई हैं। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के अब तक 18 टैंक और 7 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए, और ये भी दावा है कि 41 सैन्य गाड़ियां भी तबाह हो गई।
यूक्रेन के कई शहर घिरते दिख रहे हैं। ओडेसा शहर की सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं। टैंक शहर में आने से मना किया जा रहा है कि यूक्रेन की हालत खस्ता है, शहर में सन्नाटा है। मुख्य रोड पर दो टैंक तस्वीरों में देखिए नजर आ रहे हैं। की पर लगातार हमले हो रहे हैं, कुछ हमले मिसाइलों से किए जा रहे हैं। रात होते होते हमले तेज हो गए, आसमान धमाकों के असर से रोशन नजर आया है। यूक्रेन के कई शहरों ने बमबारी से इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। कीव पर रूस ने मिसाइलों से हमला किया, इसके बाद कई इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। दूर तक कई घर खंडहर जैसे दिखने लगे हैं। कीव का एक खौफनाक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक साइकिल सवार रोड से गुजरता दिख रहा है, उसके ठीक करीब एक बम आकर फटता है जिससे आग लग जाती है। साइकिल सवार बम की चपेट में आ जाता है, घायल साइकिल सवार रोड पर पड़ा नजर आता है। यूक्रेन के शहरों में लोगों की हालत खराब है, हजारों लोगों ने बंकरों में शरण ले रखी है, लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। कई मेट्रो स्टेशन पर भी लोगों ने शरण ले रखी है, सैकड़ों की तादाद में लोग फर्श पर लेटे दिख रहे हैं। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया है। हालांकि रिपोर्ट दोनों तरह की हैं, रूस ने कब्जा कर लेने की बात कह दी है, लेकिन यूक्रेन ने जोरदार तरीके से इस बात का खंडन किया है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन की सेना रूस को आगे बढ़ने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस कोशिश में कीव के पास एक पुल को खुद यूक्रेन ने गिरा दिया, क्योंकि रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। नाटो देशों में से किसी ने भी अभी तक यूक्रेन के लिए मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम देशों की तरफ से अभी तक सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो नाटो सेना वहां नहीं भेजेगा। नाटो देशों और अमेरिका की तरफ से मदद नहीं मिलने से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की काफी खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें अकेले जंग में छोड़ दिया गया। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो देशों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाह रहा था। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई निर्णायक दौर में अब पहुंचती नजर आ रही है। जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से घर में रहने की अपील की। यूक्रेन का कहना है कि वो हथियार उठाएं, जो युवा हैं वो हथियार उठाएं, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है। यूक्रेनी सेना में शामिल होने की उम्र सीमा अब खत्म हो चुकी है, सभी को आगे आना चाहिए। वहीं रूसी मिसाइलों ने 41 सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। तो दावे रूस की तरफ और यूक्रेन की तरफ दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। यूक्रेन के 18 टैंक और 7 रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं, ये जानकारी रूस की तरफ से आई। तो क्या ये रूस और यूक्रेन के बीच जो कार्रवाई चल रही है इसको निर्णायक दौर में मान लें, क्योंकि ये माना जा रहा है कि रूस जैसे ही कीव पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है ये लड़ाई शायद वहां खत्म हो जाए। क्या ये संभावना प्रबल है, कितनी प्रबल है, इस पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराएं। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई, जो जंग की स्थिति बनी हुई है वो अभी भी वैसी ही है। लेकिन यहां सबसे अगर चिंता वाली कोई बात है तो वो 138 आम नागरिकों की जान गंवाने से जुड़ी है खबर, जो वाकई दुखद है। कुछ वीडियो भी आप देख रहे होंगे जहां पर जो लोग हैं वो अपने परिवार से बिछड़ने पर रो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ यहां बैठकर शायद हमें और आपको आंकड़ा लगे 138 का, लेकिन ये आंकड़ा नहीं होता है। एक परिवार का अगर एक सदस्य भी खत्म होता है तो पूरे परिवार पर क्या बीतती होगी, एक बार जरा सोच कर देखिए। इस वक्त यूक्रेन में कुछ वैसी ही स्थिति है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने और
और अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपने आशियाने को, जिसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से लोगों ने सजाया होगा, सालों से रह रहे होंगे, उन सब जगहों को छोड़कर अब बंकरों में जाकर रहना पड़ रहा है और उन्हें किसी बात का अंदाजा नहीं है कि आखिरकार ये स्थितियां बनेंगी तो कब तक ऐसी रहेंगी और कब वो वापस अपने घर जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये बड़ा सवाल वहाँ के लोगों के लिए खासतौर पर। ये ताजी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके के हालात वहां पर मौजूद हैं। जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे बच्चों को थामे वहां से भागने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं। राशन नहीं बचा है, पीने के लिए पानी नहीं है उनके पास, लेकिन जान बचाना इस वक्त सबसे जरूरी। कैसी परिस्थितियों में यहाँ पर लोग रह रहे होंगे अंदाजा जरा लगाइए। कैमरे में रोते बिलखते लोग नजर आ रहे हैं। हर कोई सिर्फ ये कह रहा है कि शांति बरकरार रखो, लेकिन तस्वीरें हालात ये सब दिखा रहे हैं कि शांति तो अभी दूर दूर तक यूक्रेन के लिए नजर नहीं आ रही है। खासतौर पर कीव की स्थिति जरा देखिए, ये बच्चे हैं जिनको अंदाजा भी नहीं लग रहा होगा, जो समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिस्टन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जनरल मिस्टन, ये जो स्थितियां हैं यहाँ जंग से ऊपर, जो सबसे ज्यादा लोगों के जहन में है वो ये कि लोगों का क्या कसूर था, 138 लोगों का क्या कसूर था, उनके पास जो लोग अभी अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं कोई विकल्प नहीं है। एक सवाल जो सबके मन में है, स्थितियां कब सुधरेंगी, सुधरेंगी भी या नहीं सुधरेंगी? देखिए अर्पिता, जो स्थिति है वो तो अब नहीं सुधरेगी, ये तो खराब हो चुकी है, लेकिन सबसे खराब ये लगता है कि रशियन आर्म फोर्सेस, मैं भी एक सोल्जर हूँ और मैं अपने आप दिल से बोल रहा हूँ, मेरे को खराब लग रहा है ये सारी सीन देख के। सोल्जर का प्रोफेशन इतना गंदा ये इन्होंने कर दिया है, हैरानी है मेरे को। एक फौज, प्रोफेशनल आर्मी, डिसिप्लिन आर्मी ये सब नहीं करती है कि जाके रिहायशी इलाकों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लोगों की तबाह कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, घर डिस्ट्रॉय कर दें। किसको टारगेट कर रही है ये? तो प्रॉपर इंटरनेशनल कंडेमनेशन, क्या इस पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज अ वॉर क्राइम। आप आम जनता को मार रहे हैं और बोलते हैं कि मिसाइल्स है, मिसाइल्स तो एक्यूरेट होती है, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स। आपकी क्या मिसाइल्स आप रिहायशी इलाके में फेंक रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, स्मर्च रॉकेट्स रिहायशी इलाकों में यूज नहीं किए जाते हैं, वो एरिया वेपन है, वो ट्रुप्स इन ओपन कंसंट्रेशन एरिया, गाड़ियों पे या एनिमी एम्यूनिशन डिपोज और इन चीजों पे किया जाते हैं। मतलब रिहायशी इलाकों में मोस्ट अनप्रोफेशनल, अनएथिकल कंडक्ट। एज अ सोल्जर आई एम स्पीकिंग, whether people like it or don't like it। मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि देखिए रूस ये बार बार कह रहा था कि उसकी नियत है ही नहीं कब्जा करने की। रूस बार बार कह रहा था कि हम रिहायशी इलाकों को नहीं बना रहे हैं निशाना, लेकिन सर तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, वहां आग लगी हुई है, बच्चों को लेकर महिलाएं भाग रही हैं। बिल्कुल सही बोल रही। एक देश का राष्ट्रपति पूरे दुनिया से झूठ बोल रहा है, अपने लोगों से झूठ बोल रहा है। मैं तो डे वन से इसको फॉलो कर रहा हूँ कि बार बार की हम बेलारूस के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, चले जाएंगे और हम सिर्फ थोड़े समय के लिए आए हैं, पूरे विश्व के साथ जी। यहाँ देखिए स्टूडियो में भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से तारुफ आपका करा दें। हमारे साथ जनरल विशंबर दयाल इस वक्त मौजूद हैं, निशिकांत ओझा साहब हमारे साथ जो सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। जनरल विशंबर, ये देखिए क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय अगर किसी के दिल को दहला रही हैं तो यही तस्वीरें दिल को दहला रही हैं कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक रूस जो कह रहा है कि हम कब्जा नहीं करना चाहते हैं, हम बहुत ही शांति से आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने हथियार डालिए, हमें अंदर आने दीजिए, हम कीव में आएंगे और यहां पर सत्ता परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये 38 नागरिकों की जान चली जाती है। सर आप कबूल ही नहीं कर रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यहाँ पर आग लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं, डरे हुए हैं। सर देखिए ये लड़ाई है और जब लड़ाई में आप किसी देश में इन्वेजन करते हो तो ये सब होगा, ये तो लड़ाई का पार्ट है। अब ये है कि कोई नहीं चाहता, कोई भी रशियन फोर्सेज भी नहीं चाहेंगी, कि वो रशियन पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं चाहेगी कि यूक्रेनियन की पॉपुलेशन उनके अगेंस्ट हो जाए, लेकिन ये लड़ाई का पार्ट है। वेपन्स का कोलेटरल डैमेज है,
वेपन्स इतने प्रिसाइज वेपन्स नहीं हैं कि भाई एरर है हर जगह पे, तो ये होगा। और इससे देखिए जो एक स्पष्ट रूप, जो एक स्पष्ट बात कह रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन कि वो तख्ता पलटना चाहते हैं, वो सरकार बदलनी चाहते हैं, जो सरकार प्रो नाटो है वो सरकार नहीं उनको मंजूर, वो सरकार चाहते हैं जो प्रो सोवियत यूनियन का जो आइडियोलॉजी थी, रशिया के प्रो, बेलोरशिया के प्रो, वो अपने परिवार में मिलाना चाहते हैं। और अगर इस किस्म की उनकी बात है तो कुछ नुकसान होगा जिससे हाहाकार मचेगी, पॉलिटिकल लीडरशिप पे प्रेशर जाएगा, ये नेचुरल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगी। लेकिन जानबूझकर रशियन आर्म फोर्सेस यूक्रेन में, खासकर जो कि स्लोवाक रेस, कुर्स रेस एक रेस है, वो इस किस्म की मैं नहीं समझता खुद जानबूझकर कार्रवाई करना चाहेंगे। ये कोलेटरल डैमेज है, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है काफी। देखिए वॉरफेयर में काफी तो यूक्रेन भी मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर लॉन्च करेगा ना, ताकि लोग कहें हमारे लोग मर रहे हैं, वो यूक्रेन चाह रहा है किसी तरह वर्ल्ड प्रेशर पड़े रशिया पे। रशिया वर्ल्ड ओपिनियन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, पुतिन वन पॉइंट डिसीजन मेकर है, वन माइंडेड है, वो अपने लक्ष्य से नहीं पीछे हटेगा, वो बहुत क्लियर है। मैं समझता हूँ ये वॉर हो सकता है लंबी खिंच जाए, लेकिन वॉर डिसाइसिव लड़ेगा वो, इससे वापस नहीं जाएगा, और नाटो या कोई मदद में नहीं आने वाला। ये यूक्रेन की पॉलिटिकल लीडरशिप का एक अटर फेलियर है ये सोचना कि उनकी लड़ाई में नाटो आएगा, अमेरिका मीलों दूर से आके उनके लिए लड़ेगा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जो कि रशियन फोर्सेज इन्वॉल्व है। हालांकि जब युगोस्लाविया ब्रेकअप हुआ था उसमें जरूर नाटो ने रोल प्ले किया, लेकिन वो इंटरनल मैटर था युगोस्लाविया की, हर्जेगोविना इनके आपसी वो थे। यहाँ तो दो देशों के बीच में है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे मैं समझता हूँ ठीक है ज्यादा। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी है। सर जल्दी से एक छोटा 30 सेकंड का आपसे भी रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद मुझे एक ब्रेक पर जाना है। सर देखिए अर्पिता, ये दरअसल बहुत ही दर्दनाक बात है कि देख के कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, और उस ऐतिहासिक बैकग्राउंड के जरिए मैं ये जस्टिफाई नहीं करूंगा बिल्कुल कभी भी नहीं कि रशिया जो कर रही है ठीक कर रही है, बिल्कुल कतई गलत कर रही है। कानून को अपने में हाथ में लेना, आपको एक बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ मैं ये, ताकि हर एक को समझ में आ जाए, जो मिलिट्री से रिलेटेड ना भी हो उसको भी समझ में आ जाए। देखिए अगर कोई गलत कोई करता है और अगर प्रवोक भी कोई होता है तो क्या उसको पूरा हक बनता है कि उसकी जो जान ले ले या मर्डर कर दे? नहीं बनता ना। बस उसी ठीक उसी तरीके से जो रूस अभी कर रही है, भाई रूस ने भी कई सालों तक डिकेड्स तक इंतजार करा है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? उसकी डिमांड ये थी केवल के भाई 2008 में ले चलते हैं आपको, जॉर्जिया नेटो में शामिल ना हो। 2008 में उसने जॉर्जिया पे हमला करा, 2014 पे क्रीमिया पे हमला करा, अब जाके यूक्रेन पे हमला कर दिया है उनकी मिलिट्री पे। और जी हाँ, ये बात ऐसी है कि एक और बात, लीडरशिप जो यूक्रेन की लीडरशिप है, मेरे को ताजुब होता है ये देख के कि यूक्रेन की लीडरशिप इतना समझ नहीं पाई। उनके 44-year-old व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि पहले एक्टर भी थे कॉमेडियन भी थे, अब वो इतनी सरल बात समझ नहीं पाए कि वो और लोगों के बहकावे में आके, फुसाका में आके पंगा ले लिया उन्होंने रशिया से। अब रशिया के पास इतनी पावर है, मैं आपको ये बात बोल दूं अर्पिता जी, रशिया ने अभी अपना 5% भी माइट इस्तेमाल नहीं करा है। रशिया के पास जो हथियार है वो ऐसा कुछ भी वो मिटा देंगे वो। लेकिन देखिए इसमें एक मेच्योरिटी से अगर वो सूझबूझ से समझ में वो हिस्सा लेते तो वो 2019 में वो आए पावर में एज प्रेसिडेंट। और अभी जो बयान उनके आ रहे हैं ना, वो भी बयान ऐसे मेच्योरिटी भरे नहीं लग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 96 घंटे में कि वो हथियार लेंगे, तो वो अगर राष्ट्रपति एक देश का ये कह रहा है तो किसी भी लिहाज से हौसला देश का नहीं बढ़ा रहा है, तो अभी भी वो मैच्योरिटी वाले बयान नहीं आ रहे हैं ज़ेलेंस्की की तरफ से। इसी पर नजर रहेगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।